हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और देखेंगे कहां पर एंट्री कर सकता है बाय में और कहां सेल कर सकता है। बाय में या जा सकता है या सेल में जा सकता है उसका ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कहां पर हम एग्जिट हो सकता है मार्केट में। तो पहले हम बड़ा वाला टाइम फ्रेम में देख लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं डेली में कंटिन्यूअस प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, हायर हाई बना के और हायर लो क्रिएट करके। तो लॉन्ग पोजीशन के लिए जैसे जो हम बाय करके रखते हैं, जैसे ऑप्शन में ट्रेडिंग करके करने के लिए हम बाय करके रखते हैं, तो उसके लिए तो वो लॉन्ग पोजीशन ही बाय में ही जाना अच्छा है कॉल को। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसलिए हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लाना है। जैसे मैंने ये डेली सर्ट लिया, राइट। तो डेली सर्ट में मैंने क्या किया यहाँ पे, तो डेली सर्ट में मैंने पहले हायर पॉइंट जो प्रीवियस वीकली सर्ट में आप देख सकते हैं मैंने ये हायर पॉइंट निकाल लिया यहाँ। तो वीकली में हमें जैसे हायर पॉइंट मिला तो एक रेजिस्टेंस लाइन निकल लिया हमने, राइट। तो अभी देखेंगे डेली में, तो यहाँ पे मैंने डेली में देखा, तो थोड़ा डेली में जूम इन कर लेता हूँ। तो देखें तो डेली में हमें मिला और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जो जिसको मैंने कनेक्ट कर दिया, जिसे आप देख सकते हैं ये दो लाइन आ गया। तो ये हो गया हेजिटेशन जोन। तो यहाँ से मार्केट रिट्रेस फिर से रिट्रेस कर सकता है, राइट। तो अगर हमने बाय लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा ये एरिया तक ही लेना है, जिसे मैंने ड्रॉ करके दिखा दिया, ये एरिया तक ही लेना है बाय, राइट। तो यहाँ से अगर उसको ब्रेकआउट कर दिया फिर से हम बाय करेंगे, अगर नहीं तो यहाँ से इसका नीचे हम बाय नहीं करेंगे, ये एरिया का नीचे हम बाय नहीं लेंगे और, क्योंकि यहाँ से फिर से मार्केट आने का चांसेस है नीचे में, राइट। तो ये हो गया डेली चार्ट में। तो हम देखेंगे 15 मिनट में कहाँ एंट्री कर सकते हैं। मैं थोड़ा चौथा कर देता हूँ, अभी हमें एंट्री कहाँ करना है। जैसे हमें सपोर्टिंग लाइन और रेजिस्टेंस लाइन हमें मिल गया, तो चौथा टाइम फ्रेम में अगर आप इंट्राडे के लिए हो तो मैंने ये कनेक्ट करके, जैसे लोअर पॉइंट को कनेक्ट करके, ये लोअर हायर पॉइंट था, ये लोअर, तो कनेक्ट करके एक मैंने सपोर्टिंग लाइन भी निकाल लिया यहाँ से। तो अभी हमें एंट्री करना है, राइट। तो एंट्री करने के लिए हम लेंगे, जब यहाँ पे देख सकता है एक मूविंग एवरेज क्रॉस 20 और 5, अगर क्रॉस करेंगे 5 और 20 को, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके देता हूँ यहाँ पे, जो जब क्रॉस कर लेगा और साथ में ये येलो लाइन, राइट, येलो लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोज होगा नीचे 200 मूविंग एवरेज में, तो हम सेल लेंगे। तो अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो कॉल पुट को बाय करेंगे। पुट को कितना बाय करेंगे, 27,200 का पुट, नहीं तो 27,300 का पुट हम बाय करेंगे और टारगेट रहेगा 27,200। ये हो गया एंट्री पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे अगर हमको बाय करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका 27,815 का ऊपर ही बाय करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा क्या होता है कभी कभी मार्केट क्या होता है ऊपर जाके ये जोन से फिर से नीचे आ जाएगा। अगर आपने बाय किया यहाँ तक तो प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर से मार्केट नीचे आ जाएगा, राइट। तो इसलिए आपको बाय लेना है तो इसका ऊपर में ही लेना है, जैसे 27,800 पे, राइट। तो यहाँ पे अगर प्राइस जितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, जैसे यहाँ से आपको प्रॉफिट मिला यहाँ से यहाँ तक, और टाइम दिखे रहता है तो बाद में थोड़ा मार्केट नीचे आएंगे तो जितना प्रॉफिट है इतना स्पीड से आपका लॉस माइनस की तरफ आएगा टाइम दिखे के वजह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बाय लेना है तो यहाँ पे आपको निकल जाना है अराउंड 27,800 का आसपास में ही, ठीक है। तो ज़्यादा से और सेल लेना है तो आप इसका जब क्रॉस ओवर होगा, जो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस ओवर होने के लिए लिया हुआ है, तो क्रॉस ओवर करेंगे तो सेल लेके आप 27,200 का बाय लेके कॉल को बाय कर पुट को बाय करके आप निकल सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।